हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पालो अल्टो बेसिक्स के बारे में। ये हमारी टोपोलॉजी रहेगी जिसके अंदर हम चार राउटर्स यूज करेंगे, राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री, राउटर फोर और एक पालो अल्टो फायरवॉल। जैसा कि आप टोपोलॉजी में देख रहे हैं, फायरवॉल का पोर्ट नंबर वन राउटर वन से कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर टू राउटर टू से, पोर्ट नंबर थ्री राउटर थ्री से, पोर्ट नंबर फोर राउटर फोर से कनेक्टेड है। R1 आईपी एड्रेस 192.168.1.1, R2 2.1, R3 3.1, R4 4.1। फायरवॉल आईपी एड्रेसेस भी आपके सामने है, 1.2 2.2 3.2 4.2। मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस वाया डीएचसीपी रहेगा 192.168.0. ओके, तो फायरवॉल का जो मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है वो है 0.9, वो हमने इधर एक्सेस कर रखा है 0.9। और इसके साथ साथ राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री और राउटर फोर पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना है जो कि कर रखा है। जैसे कि R1 पे आपका रहेगा 1.1 10 सीरीज, फिर से चेक कर लो 1.1 10 सीरीज, तो वेन इंटरफेस पे 1.1 10 सीरीज, R2 पे 2.1 20 सीरीज, R3 पे 3.1 30 सीरीज, R4 पे 4.1 40 सीरीज, यानी राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। ओके, चलो फायरवॉल पे चलते हैं। फायरवॉल को एक्सेस करो, यूजर नेम होगा बाय डिफॉल्ट एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन रहेगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स करेगा, तो आपने एक न्यू पासवर्ड सेट कर देना है। लॉगिन कीजिए। इस वेलकम पेज को आप डोंट शो करके क्लोज कर सकते हो। टेलीमेट्री डेटा कलेक्शन के लिए बोल रहा है, जरूरी नहीं है, रिमाइंड मी लेटर का। ओके, तो आप यहां पे देख रहे हो जो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड है वो आपके सामने है। डिवाइस का नेम पालो अल्टो वीएम, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस 0.9, सबनेट मास्क /24, गेटवे 0.1 आपका यहाँ पे है। और जो पालो अल्टो वर्जन यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं पेन ओएस का 10.0.0। तो जैसे कि ये हमारा पालो अल्टो बेसिक्स के बारे में है, तो जिसके अंदर हम सीखेंगे जैसे कि डिवाइसेस, डिवाइसेस पे जाएंगे, डिवाइसेस के अंदर सेटअप एंड देन मैनेजमेंट। यहाँ पे आप इस एडिट सिंबल पे क्लिक करोगे जिसके अंदर आप इसका नेम दे सकते हो, होस्ट नेम, जैसे कि पालो अल्टो वन दे दिया, डोमेन नेम renonic.com दे दिया, लॉगिन बैनर वेलकम और टाइम जोन एशिया कैलकाटा हमने दिया और ओके किया। उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेशंस के अंदर, जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट, सेव, लोड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर सकते हो। इनका इस्तेमाल करेंगे लेकिन अभी नहीं। सर्विसेज के अंदर जाइए, सर्विसेज के अंदर जाके सेटिंग सिंबल पे क्लिक करो,
और यहाँ पे हमने इसको डीएनएस सर्वर दिया, जैसे कि 8.8.8.8 प्राइमरी, सेकेंडरी 1.1.1.1 दे दिया। एनटीपी सर्वर हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो या तो आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप पब्लिक एनटीपी सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इंडियन पब्लिक एनटीपी सर्वर। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एनटीपी सर्वर्स का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आप इनके साथ रीचेबिलिटी चेक कर सकते हो, पिंग, रीचेबल है। रीचेबल है तो आप पब्लिक एनटीपी सर्वर्स का यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके कीजिए। तो अभी तक हमने मैनेजमेंट में होस्ट नेम दिया, डोमेन नेम दिया, टाइम जोन दिया, सर्विसेज के अंदर जाके आपने डीएनएस सर्वर दिया प्राइमरी सेकेंडरी, एनटीपी सर्वर दिया प्राइमरी सेकेंडरी। ओके अब हमने किधर जाना है, नेटवर्क के अंदर जाना है और टोपोलॉजी के अनुसार 1.2.2.2.3.2 और 4.2 आपने आईपी एड्रेस देना है। तो नेटवर्क के अंदर जाएंगे, इंटरफेसेस पे जाएंगे, वन बाय वन सेलेक्ट किया और इसको हमने पालो अल्टो फायरवॉल के इंटरफेसेस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, एज ए राउटर इंटरफेस लेयर 3, एज ए स्विच इंटरफेस लेयर 2, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वी वायर। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को यहाँ पे वी वायर बोला जाता है, तो वी वायर भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये एचए हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज होता है, टैब ये मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। ओके तो हम इसको अभी L3 यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो लेयर 3 इंटरफेस है उनको एक लेयर 3 प्रोसेस के अंदर, लेयर 3 राउटर के अंदर डालना पड़ता है, जो कि यहाँ पे वर्चुअल राउटर के नाम से होता है। डिफॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। जोन हमारे पास यहाँ पे 4 इंटरफेसेस हैं, तो 4 इंटरफेसेस को अलग-अलग जोन के अंदर हम डालेंगे। जोन जैसे कि इनसाइड आईपी एड्रेस दिया, हमारी टोपोलॉजी के अनुसार आईपी एड्रेस 1.2 रहेगा और ओके किया। उसी प्रकार हमने 1/2 लेयर 3 रहेगा, वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट रहेगा, सिक्योरिटी जोन यहाँ पे अलग रख सकते हैं जैसे कि DMZ1, आईपी एड्रेस आपका रहेगा 2.2.1/3, इंटरफेस टाइप लेयर 3, वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट, सिक्योरिटी जोन आउटसाइड। और एड्रेस 3.2.192.168 3.2/24 और 1/4 डिफॉल्ट DMZ2 IPv4 एड्रेस 192.168.4.2 और ओके किया। तो इस प्रकार आपने पालो अल्टो के
इंटरफेसेस को 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 दिया, आईपी एड्रेस वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट रखा, सिक्योरिटी जोन इनसाइड DMZ1 आउटसाइड एंड DMZ2 दिया। और आपको कमिट करना पड़ेगा, आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करो, कमिट करना ज़रूरी है। बिना कमिट के आपकी कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट नहीं देगी, तो कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी कमिटेड आफ्टर एनी चेंज। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली, क्लोज किया, तो अब आप इंटरफेस स्टेटस देख सकते हो, ग्रीन हो गया। अब हमें यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल देखना है, तो वर्चुअल राउटर के अंदर जाएंगे, डिफॉल्ट, और यहाँ पे मोर रन टाइम स्टेटस के अंदर राउट टेबल और फॉरवर्डिंग टेबल आप देख सकते हो, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 लोकल नेटवर्क्स हो गए, लोकल आईपी एड्रेस 1.2, 2.2, 3.2 और 4.2। अब क्योंकि हमने फायरवॉल पे आईपी एड्रेसिंग किया है और राउटर्स पे भी आईपी एड्रेसिंग कर रखा है, तो लेट्स गो टू राउटर एंड चेक द रीचेबिलिटी विद फायरवॉल। तो राउटर्स पे जाएंगे, राउटर वन पे जाएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो रीचेबल रहेगा, तो फायरवॉल का आईपी एड्रेस 1.2 है, तो राउटर वन से 1.2 को पिंग किया जो कि नहीं हुआ, 2 से 2.2 को पिंग किया जो कि नहीं हुआ, 3 से 3.2 को पिंग किया जो कि नहीं हुआ, और 4 से 4.2 को पिंग किया जो कि नहीं हुआ। रीजन रीजन ये है कि पोलो अल्टो के इंटरफेस पे जब आपने आईपी दिया, तो उसके साथ साथ आपको एक मैनेजमेंट प्रोफाइल एलोकेट करना पड़ता है, और वो प्रोफाइल बताएगा कि उस इंटरफेस पे क्या अलाउड है। तो इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल ऐड किया, जो भी आप कंजी करे नाम दो, और ये बताओगे कि क्या क्या अलाउड है। अगर पिंग करोगे तो केवल पिंग अलाउड होगा, और आप चाहते हो उस इंटरफेस को मैं HTTP HTTPS टेलनेट और SSH कर सकूं, तो यहाँ पे आपको इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल में वो बताना पड़ेगा, ओके करोगे। इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाने के बाद आपको इंडिविजुअली उस इंटरफेस पे जाके उसे लगाना पड़ेगा। चार इंटरफेसेस हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोफाइल भी आप लगा सकते हो, या फिर सभी के लिए एक भी लगा सकते हो, ये आपकी डिप्लॉयमेंट पे निर्भर करता है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट पे कि किस इंटरफेस को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हो। क्योंकि हम लैब कर रहे हैं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, जब आप अपनी कंपनी के अंदर इसे डिप्लॉय करोगे, लैब में आप कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैब के अंदर आप ही प्रोटेक्टर और आप ही अटैक करने वाले होंगे। बट जब आप इसको अपनी कंपनी में करेंगे, तो याद रखें आउटसाइड इंटरफेस पे, जो कि हम नहीं चाहेंगे कोई बाहर से हमें टेलनेट SSH कर पाए, तो उस केस में आप वहां पे एक दूसरी प्रोफाइल बनाओगे जिसके अंदर केवल पिंग अलाउ करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है। इस प्रकार मैंने चार इंटरफेसेस पे सेम इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल लगाया, और उस प्रोफाइल के अनुसार आपका पिंग, टेलनेट, SSH, HTTP और HTTPS अलाउड है। कमिट करो और कमिट करो। कमिट कंप्लीट हुआ, क्लोज करो और आप राउटर्स पे जाओ। राउटर्स पे जाके फिर से आपने चेक करना है पिंग 1.2, 2.2, R3 से 3.2 और 4 से 4.2 को हमने पिंग किया, तो R1 से 1.2, 2 से 2.2, 3.2 और 4.2 हो गया।
क्योंकि सेम इंटरफेस पे सेम प्रोफाइल लगी हुई जिसके अंदर टेलनेट एसएसएच एचटीटीपीएस एचटीटीपीएस भी चलेंगे, तो आप टेलनेट भी कर सकते हो। फायरवॉल को 192.168.1.2 को टेलनेट करो। यूजर नेम एडमिन, जो भी आपने पासवर्ड दिया वो पासवर्ड आप दोगे तो आपका सक्सेसफुली टेलनेट हो जाएगा। डन, कनेक्शन एग्जिट कर दो, टेलनेट हो गया। एसएसएच करना है, SSH-L यूजर नेम एडमिन और आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस 1.2, पासवर्ड जो भी आपका था पासवर्ड आपने देना है, और इस प्रकार आप यहाँ पे SSH भी एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस फायरवॉल वाया SSH। तो हमारा क्या क्या होगा, फर्स्ट हमने वेरीफाई किया था पिंग, पिंग वर्क कर रहा है, टेलनेट वर्क कर रहा है और आपका एसएसएच भी वर्क कर रहा है। इस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जिसके द्वारा हम एचटीटीपी एक्सेस कर सकें, बट हाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन का तरीका हमारे पास है, जैसे कि R1 से कहा फायरवॉल को हिट करो, टेलनेट और पोर्ट नंबर 80 पे। अगर फायरवॉल 80 पे लिसन कर रहा होगा तो हमें कनेक्शन ओपन दिखाई देगा। बिल्कुल, तो कनेक्शन इज ओपन, यानी इट मींस इसका मतलब ये है कि फायरवॉल इस इंटरफेस पे पोर्ट 1x1 पे 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। Ctrl-6x डिसकनेक्ट करो, 1 लिखो, और उसी प्रकार आप 80 के साथ साथ 443 को भी वेरीफाई कर सकते हो। एंटर करो, डन। आपको यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि फायरवॉल इज लिसनिंग एट दिस आईपी एड्रेस एट पोर्ट नंबर 80 एंड 443। Ctrl+6 प्रेस करो, कीज को छोड़ो, एक्स प्रेस करो और डिसकनेक्ट 1 लिखो। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे वेरीफाई किया कि किस प्रकार हम पोलो अल्टो फायरवॉल पे आईपी एड्रेसिंग अथवा राउटिंग, नॉट राउटिंग, आईपी एड्रेसिंग किस प्रकार कॉन्फ़िगर करेंगे, टेलनेट एसएसएच एचटीटीपी एचटीटीपीएस किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया जाएगा। अब हमने, जैसे कि हम देख रहे हैं, राउटर 1, 2, 3, 4 सभी फायरवॉल को पिंग कर पा रहे हैं। फिर से आप चेक कर सकते हो, R1 2 पिंग वर्किंग, 2 से भी फायरवॉल पिंग है, 3 से भी है और 4 से भी है। अब मैं चाहता हूं कि फायरवॉल भी सभी को कम्युनिकेट करे, तो फायरवॉल को एक्सेस करो। उसके लिए हमें CLI जाना होगा, तो किसी भी राउटर से अब आप उसे क्या कर सकते हो, टेलनेट अथवा SSH कर सकते हो, क्योंकि सभी इंटरफेसेस पे प्रोफाइल लगा हुआ है। Router 1 या 2, चलो इस बार 2 का इस्तेमाल करते हैं। Router 2 से हमने कहा कि टेलनेट 192.168.2.2 यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड जो भी आपका है, ओके। तो जब आपने देखा था GUI के अंदर, तो GUI के अंदर आपका जो रहेगा वो वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट और मोर रन टाइम स्टेटस के अंदर फॉरवर्डिंग टेबल, यहां से आप राउटिंग टेबल देखोगे या फॉरवर्डिंग टेबल देखोगे। CLI के अंदर कमांड होता है शो राउटिंग राउट, या फिर ओके टर्मिनल इज नॉट फुली फंक्शनल, ओके, या फिर शो राउटिंग, फिर आपने कमांड चलाना है। तो जिससे आपको यहां पे दिखेगा इसका राउटिंग टेबल। अब मेरे को पिंग करना है, तो मैंने किया पिंग क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो, होस्ट TTL एटसेट्रा सोर्स, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा फायरवॉल पहले खुद को पिंग करो, 1.2 खुद का आईपी रीचेबल, 2.2 खुद का आईपी रीचेबल, 3.2 खुद का आईपी एड्रेस रीचेबल और
4.2 जो कि उसके खुद के इंटरफेस का आईपी एड्रेस है वो रीचेबल है। मैंने फायरवॉल से कहा पिंग टू 1.1। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये हमारा है कौन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के अंदर इस मैनेजमेंट नेटवर्क का इस फिजिकल टोपोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें फायरवॉल को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। और वो रहेगा ये कि जब भी तुम्हें जाना है इस नेटवर्क पे तो सोर्स आईपी ये लेके जाना है। तो वो किस प्रकार बताया जाएगा, जब आप पिंग करोगे तो सोर्स लेके जाओगे 1.2 और होस्ट कम्युनिकेट करोगे 1.1 के साथ। तो इस प्रकार आप ये बताओगे कि जब आपने जाना है किस डिवाइस के पास तो क्या सोर्स लेके जाना है। तो जब R1 से गए तो R1 से जो इंटरफेस कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस लेके गए। अब हम R2 2.1 के पास जा रहे हैं तो 2.2 आईपी एड्रेस एज ए सोर्स लेके जाएंगे, ये वर्क कर रहा है। उसी प्रकार फिर हमने कहा कि जब आप 3.1 के पास जाओगे तो 3.2 का सोर्स आईपी लेके जाओगे। और उसी प्रकार लास्ट डिवाइस जो R4 है जब उसके पास जाओगे तो 4.2 का एड्रेस लेके जाओगे। इस प्रकार आपने यहाँ पे सभी डिवाइसेस से फायरवॉल को पिंग किया और फायरवॉल से भी सभी डिवाइसेस को पिंग किया। अब हमने क्या करना है, फायरवॉल पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, डिवाइस के अंदर जाओ, ऑपरेशंस के अंदर जाओ। कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव करना चाहूंगा तो नेम के साथ, तो सेव नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दूंगा। तो मैंने दे दिया पोलो अल्टो हाइफन कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल। तो इस नाम से मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया, या आप जो आपका जी इच्छा करे वो आप नाम दे सकते हो। ओके करो, सेव हो गया। जो कॉन्फ़िगरेशन सेव हुई है मैं उसको रिमोटली डाउनलोड करना चाहता हूं, तो हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और आपने वहां से पोलो अल्टो कॉन्फिग नाम की फाइल है उसको आपने एक्सपोर्ट कर लिया। ये आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर आएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव किया, एक्सपोर्ट किया, अब इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। तो अब हम यहाँ सीखेंगे फायरवॉल को फैक्ट्री डिफॉल्ट कैसे किया जाएगा। तो CLI पे इसके जाएंगे, फायरवॉल के किसी भी डिवाइस से इसको करो। CLI एक्सेस 10.2.3.2 एडमिन एडमिन पासवर्ड ओके। तो फायरवॉल को फैक्ट्री डिफॉल्ट में लाने के लिए कमांड चलती है डिबग सिस्टम मेंटेनेंस मोड। ये आप लैब एनवायरनमेंट में करोगे, कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं करोगे। प्रेस वाई एंड इंटर। जैसे ही आप यहाँ पे डिबग सिस्टम मेंटेनेंस मोड करोगे फायरवॉल आपका रिबूट होगा और मेंटेनेंस मोड के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम उसको डिफॉल्ट या फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे आपको कंसोल के पास आना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, पेशेंस रखें। ओके, तो आपने यहाँ पे एंटर करना है, फिर एरो कीज जो अप और डाउन है उससे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है फैक्ट्री रीसेट, एंटर करेंगे। फिर एरो कीज जो अप और डाउन है उनसे आपने फिर से फ्लैश सेलेक्ट करना है
फैक्ट्री रीसेट और एंटर करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा, हमें पेशेंस रखना है। तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपको ये रिबूट के लिए कहेगा। तो आपने क्या करना है, सेम अप डाउन एरो की से आपने रिबूट सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। फिर से ये रिबूट होगा और रिबूट होने में ये लगभग 5 से 10 अथवा 15 मिनट तक ये ले सकता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसे बूट होने देते हैं। ओके, तो लगभग 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। 0.9 ब्राउजर पे जाओ, रिफ्रेश करो, एडवांस प्रोसीड। क्योंकि फायरवॉल बिल्कुल एंटी हो गया है तो आपको डिफॉल्ट जो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। ओल्ड पासवर्ड एडमिन, न्यू पासवर्ड सेट करो। फिर से आपको लॉगिन करना है। क्लोज। नेटवर्क टैब के अंदर जाएंगे, इंटरफेसेस। अभी टोटली एम्प्टी है फायरवॉल, तो सबसे पहले हमने जाना है टास्क मैनेजर के अंदर। डन। तो लेट्स गो टू डिवाइस अगेन। आपने जस्ट रिसेंटली पासवर्ड चेंज किया है तो कमिट पे क्लिक कीजिए और कमिट कीजिए। क्लोज करो, ये बैकएंड में चलता रहेगा। जब तक ये कंप्लीट हो तब तक हमने जाना है डिवाइस ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर आपने करना है इंपोर्ट नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्राउज, और डाउनलोड के अंदर आपके पास है पॉलो अल्टो कॉन्फ़िग, उसे ओपन कीजिए और ओके कीजिए। पॉलो अल्टो हाइफ़न कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल सेव्ड हो गया। तब तक आपका कमिट भी कंप्लीट हो चुका होगा 99%।
हो गया कंप्लीट, ओके करो। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने इंपोर्ट की है अब उसे हमें लोड करना है, क्योंकि अभी तक हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस नहीं है। डिवाइसेस के अंदर जाएंगे, लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन, और अभी जो जस्ट आपने इंपोर्ट किया है वो है पोलो अल्टो हाइफन कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल, उसे आपने लोड किया। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन लोड हो रही है, प्लीज टास्क मैनेजर को चेक कीजिए इसके स्टेटस के लिए। हमने क्लोज किया, टास्क मैनेजर के पास गए, जो लोड है आपका यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट हो गया है और आपने कॉन्फ़िगरेशन कमिट कर देना है। कमिट कंप्लीट, क्लोज करो, नेटवर्क पे जाओ, आपको पुरानी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आईपी एड्रेस के साथ, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल के साथ, और प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आपका था होस्ट नेम, डोमेन नेम, टाइम जोन एटसेट्रा। तो इस प्रकार आप अपनी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फायरवॉल बेसिक्स और पालो अल्टो बेसिक्स। इसके साथ साथ आप रीचेबिलिटी भी चेक कर सकते हो, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, डन। तो ये था हमारा पालो अल्टो बेसिक्स, धन्यवाद।